हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए महिला पर्यवेक्षिका यानी लेडी सुपरवाइजर की भर्ती आई हुई है और यहाँ पे मैंने कल वीडियो भी अपलोड किया था इस भर्ती से रिगार्डिंग। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ वीडियो का थंबनेल है और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें जो सभी इनिशियल जानकारी है मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया गया था, जो इसमें शॉर्ट नोटिस में दिया गया था जो जानकारी, ठीक है। लेकिन आपको बतला दूं, इसमें मैंने ना ही आपको क्वालिफिकेशन बताया था, ना ही मिनिमम एज बताया था कि कौन कौन से एज के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं कराया था और ना ही आपको बताया था यहाँ पर कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं या फिर कैसे ये भर्ती है, कैसे इसके यहाँ पे मेरिट बनेंगे या फिर कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बतलाने वाला हूँ। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फुल नोटिफिकेशन हुआ जारी और यहाँ पे योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है या फिर कहाँ पे जमा करना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और आपको बता दूं यहाँ पर कि इसमें लिखित परीक्षा होगी या फिर मेरिट पे बनेगी या फिर डायरेक्ट भर्ती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे क्या फॉर्म को डाक के द्वारा भी भेजना पड़ेगा, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं इसके लिए आपको नवादा के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आपको बता दूं कि नवादा के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो है फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आपको इसी नोटिफिकेशन के आधार पर सभी जिलों में बहाली होगी, ठीक है। यानी आपको इसी के आधार पर, यही आपको क्राइटेरिया है सभी जिलों में बहाली के लिए। तो इस भर्ती के लिए यहाँ पे अभी से नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, ठीक है। और आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इसमें बताया है मैंने। और आपको बता दूं कि जो इसका लास्ट डेट है 25 जुलाई 2019 है, मैंने इस वीडियो में लिखा भी हुआ है थंबनेल में और यहाँ मैं बताया भी हूँ, 5 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2019 लास्ट डेट है। और सभी जिलों के जो NIC के वेबसाइट होते हैं, जैसे कि rohtas.nic.in, khagadia.nic.in, nawada.nic.in, ये सभी जो वेबसाइट होते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के, जो जिले के NIC वेबसाइट है उस पर आप जाकर देख लीजिएगा जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप बक्सर से बिलोंग करते हैं तो baksar.nic.in ऐसे होता है, तो वहां पे आप जाइएगा तो नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर लिंक वहां पे एक्टिव नहीं हुआ होगा तो वेट कर लीजिए, एक दो दिन में या फिर आज कल में आपका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें नवादा डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक मिनट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे आपको नोटिस को डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा या फिर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे हम बतलाते हैं। आपको जाना होगा नोटिस में और यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ऐसा कुछ पेज आपको ओपन हो जाएगा और आपको लिंक ढूंढना पड़ेगा, ICDS ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ लेडी सुपरवाइजर। ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ऊपर में ही लिंक मिल जाएगा, इसमें सेकंड जो नंबर है यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देख सकते हैं स्टार्ट डेट 5 जुलाई 2019 और एंड डेट 25 जुलाई 2019 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर दूं कि 25 जुलाई का आप इंतजार मत कीजिएगा, यानी लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। आप लोग जितना जल्दी हो सके आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा और सभी जो जिला है उस पर यहाँ पे आजकल में लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए लिंक एक्टिव भी कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो PDF दिया गया है, डाउनलोड 2 MB यहाँ पे PDF है, इसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसे डायरेक्टली ओपन कर लेता हूं। और आपको बता दूं कि इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने PDF को डाउनलोड किया हुआ था तो डायरेक्टली ओपन कर लिया। और यहाँ पे समाहरणालय नवादा का ये नोटिस है और ये ऊपर वाला नोटिस केवल उसके लिए है। और यहाँ पे देख सकते हैं ICDS की तरफ से ये सभी नोटिस भेजा गया है, इसमें सभी डिटेल दिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन से एज लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एज आपको जो महिला है वो अप्लाई करना है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जो बिहार के जो महिला कैंडिडेट है उन्हीं को अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि ये लेडी सुपरवाइजर की भर्ती है, महिला पर्यवेक्षिका की भर्ती है, ठीक है। आपको एज आपको बता दूं कि जो बिहार सरकार के नॉर्मल वैकेंसी के लिए जो एज है 35 ईयर वो यहाँ पर लागू होगा, मैक्सिमम 35 ईयर तक है आप तो अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। ये बतला दिया आपको महिलाओं के लिए वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 35 ईयर, ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की।
देखिए आप कम से कम आपको मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए, मैट्रिक पास हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन का जिक्र यहाँ पर नहीं है, कम से कम मैट्रिक हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। मैट्रिक हो, इंटर हो, स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, जितना ही ज़्यादा आपका डिग्री है उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस यहाँ पे ये भर्ती है। जितना आपका यहाँ पे अच्छा डिग्री रहेगा, जितना आप उच्च क्वालिफिकेशन रहेगा आपका, उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिफ्रेंस दिया जाएगा, आपका यहाँ पे ज़्यादा जॉब लगने की चांसेस है, ठीक है। तो आपको प्रिफ्रेंस ज़्यादा रहेगा अगर ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा आपका क्वालिफिकेशन है। तो ये आपको बता दिया मैंने कि कम से कम मैट्रिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको बात क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो मैंने दिया गया है इसमें योग्यता आपको पता चल गया, एज आपको पता चल गया। अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने हैं, और यहाँ पे बात करेंगे कि डाक के द्वारा भी भेजना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सवालों का जवाब एक ही में है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट के जो है डाक के द्वारा ही भेजना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नीचे आइएगा तो देख सकते हैं ICDS द्वारा सभी जो कार्यालय है, सभी डिस्ट्रिक्ट के जो कार्यालय है वहां पर भेजा गया है इसे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये तो सभी डेट्स दिया गया है कि कौन कौन से डेट को यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे नियुक्ति की जो प्रक्रिया है 27 अगस्त 2019 तक पूर्ण हो जाएगी, यानी अगस्त के लास्ट अंतिम दिन तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इसकी भर्ती प्रक्रिया। तो जल्दी ही इसका भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी खबर है आपके लिए कि अगस्त लास्ट तक आपका जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अनुबंध आधारित महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु राज्य स्तर से विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 18 जून 2019 को दैनिक समाचार के पत्र से कराया जाना है, ठीक है। और यहाँ पे बतलाया गया है कि चयन के विचारार्थ ऑनलाइन आवेदन पत्र विहित परिशिष्ट वन में देना अनिवार्य होगा, तथा इसकी प्रति निबंधित जांच से संबंधित जिला पदाधिकारी को भेजना होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिनों के अंदर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत सभी अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर आदि की परीक्षा के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और अंक पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियां तथा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को इस आशय का अंडरटेकिंग देना होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। ऑनलाइन आवेदन जिला के NIC वेबसाइट से कराने हेतु अग्रेतिक कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे शॉर्ट में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। या फिर आप साइबर कैफे से भी जाकर ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, वहां से मिलेगा आपको रिसीविंग, लास्ट में रिसीविंग जो मिलता है आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। वहां से करवाने के बाद में उसके साथ में आपको क्या क्या ले जाना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है जाति प्रमाण पत्र, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर का सर्टिफिकेट और उसके मार्कशीट, ठीक है। यानी आप जितना पढ़े लिखे हैं, जितना क्वालिफिकेशन है, उन सभी का सर्टिफिकेट और उसके मार्कशीट का जीरोक्स है, और जीरोक्स पर सभी पर आपका साइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभिप्रमाणित होना चाहिए, वो स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि आपको सभी जो जीरोक्स है उस पर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको चाहिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं आप तो जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि आपको 21 दिनों के अंदर में आपको जिला कार्यालय के वेबसाइट में इसे भेजना है निबंधित डाक द्वारा। इसको कहाँ भेजना है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है निबंधित डाक से, यानी डाक द्वारा आपको भेजना है। और ये सभी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने के बाद में जो आप प्रिंट आउट लीजिएगा उसे भी साथ में पिनअप करने के बाद में, और ये ही पिनअप नहीं करना है, साथ में नीचे आएगा तो ये सभी फॉर्म को फिलअप करके ये भी आपको पिनअप करना है। आप देख सकते हैं ये सभी डिटेल है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि जाति प्रमाण पत्र और ये आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ये आवेदन पत्र है इसे भी आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, 2-3 पेज का है, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र इस आवेदन पत्र को ले लीजिएगा, साथ में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जितना तक आप पढ़े हैं सभी का आपको मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सभी डॉक्यूमेंट, और साथ में जो आप प्रिंट आउट लीजिएगा ऑनलाइन अप्लाई का उसे भी निकलवा कर, ठीक है। तो इस फॉर्म को भरने के बाद में और इस फॉर्म के साथ में सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने के बाद में आपको एक लिफाफा में बंद कर देना है, और आपके जो जिला कार्यालय है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं अपने जिला कार्यालय के ऑफिस में भेज देना है। और एक दिन के अंदर में अगर डाक द्वारा भेजिएगा तो जिला कार्यालय आपका दूर नहीं रहता है,
और एक दिन के अंदर में ही आपका चला जाएगा। ठीक है ठीक है, तो यही भर्ती प्रक्रिया है यहाँ पे महिला पर्यवेक्षिका के भर्ती के लिए, तो यही आपको अपडेट देना था। और मेरे हिसाब से इसमें सभी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। योग्यता आपको बतला दिए कि मिनिमम आपको मैट्रिक चाहिए और मैक्सिमम जितना भी आप पढ़े लिखे उतना अच्छा है। मैक्सिमम एज आपको 35 ईयर तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको बतला दिया मैंने, और इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर आपको बनेगी। जितना आप पढ़ी लिखी होंगी उतना ज्यादा आपके लिए यहाँ पे अंक मिलेगा और आपको ज्यादा चांसेस है नौकरी मिलने का। और यहाँ पे फॉर्म को डाक के द्वारा भेजना पड़ेगा, ये जरूरी है। आपको सभी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के बाद में डाक द्वारा भेजना पड़ेगा। और साथ में आपको बतला दूं यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो यही आपको अपडेट होना था, और ज्यादा अपडेट के लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जो उसमें बताया है मैंने। ठीक है, तो बस यही आपको अपडेट देना था। और इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका लिंक एक्टिव हो गया है आपके डिस्ट्रिक्ट का। तो नहीं हुआ है तो इंतजार कर लीजिए, आजकल में लिंक एक्टिव हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।